हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिक्शास परफेक्ट प्लेट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी शाही पनीर की रेसिपी। ट्रस्ट मी, ये शाही पनीर की रेसिपी देखने के बाद ना आप कोई और रेसिपी ट्राई भी नहीं करेंगे। ये इतनी डिलिशियस बनती है बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से, कुछ भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले ऑयल गर्म किया है मैंने, इसमें डाल दिया है मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, साथ में एक बेलीफ डाला है और ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। अच्छा, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला मैंने बादाम और काजू। इसको अच्छे से सौते करेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। इसमें कलर नहीं आना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए ड्राई फ्रूट्स का, बस हल्का सा सौते करना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सब कुछ एक ही साथ डाल देना है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने ताकि अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसको ढक के छोड़ देना है जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते टमाटर हमारे। तो लगभग 8 से 10 मिनट इस प्रोसेस में लग जाएगा आपको। फ्लेम मीडियम टू लो टू मीडियम रखिएगा। 8-10 मिनट बाद आप देखेंगे टमाटर जो हैं वो थोड़े से मशी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसे एक बार स्पैचुला से मशी कर लीजिए, मैश कर लीजिए, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें जो भी खड़े मसाले ना वो निकाल देंगे, क्योंकि जब ये पीसेंगे हम तो इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा जो शाही पनीर में हमें नहीं चाहिए। शाही पनीर का एक सटल सा फ्लेवर होता है, वही हमें चाहिए। तो सारे खड़े मसाले निकालने के बाद इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अच्छा, आप चाहें तो इस पेस्ट को इस वक्त छन्नी में डाल के छान भी सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही स्मूथ ग्रेवी चाहिए, बट मुझे उसकी नीड नहीं लगती है तो मैं स्किप कर रही हूँ। ऑयल में मैंने थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च डाल के पाउडर्ड स्पाइसेस डाल रही हूँ, जैसे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर। इसको लो फ्लेम पे बस 5-7 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हम। मसाले जलने नहीं चाहिए, बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसमें टमाटर और प्याज वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी शाही पनीर की उतना पानी डालिए। ज़्यादा पतला भी मत करिए, ज़्यादा गाढ़ा भी मत रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पकेगा फिर ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम रखिएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाल दिया था। इसको ढक के लगभग 8-10 मिनट हमें पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद ये देखिए 8-10 मिनट बाद ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और इस वक्त इसमें हम डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। तो मैं यहाँ होममेड पनीर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ज़रूर ऐड करूँगी। इसके साथ डाल दिया मैंने थोड़ा सा हनी, नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड सॉरी, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसको कवर करके एक बॉईल आने देंगे, लगभग 2-3 मिनट आप कुक कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे एक बॉईल आने दीजिए, इसके बाद फिर से ढक्कन हटाइए, इसे एक बार मिक्स करिए। शाही पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली मैंने लगभग 1/2 कप फ्रेश क्रीम इसमें डाल दिया था। एक्चुअली मैंने मलाई का यूज़ किया, आप फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक्स आते हैं वो डाल सकते हैं। गरम मसाला, बटर डाल के इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए और हमारी शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। ढक के मैं बस 2 मिनट के लिए और छोड़ रही हूँ, सो दैट सारे जो गरम मसाले, कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो शाही पनीर में आ जाए। और बस शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। ट्रस्ट मी, ये शाही पनीर ना बहुत अमेजिंग बनती है। मैं इसे बहुत टाइम से बनाते आ रही हूँ और सबको मेरे घर में ये रेसिपी बहुत पसंद है। और जो ग्रेवी हम छानते हैं ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए बिल्कुल ही स्मूथ ग्रेवी तो आप छान भी सकते हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। मैं क्रीम से, मलाई से एक्चुअली गार्निश कर रही हूँ, और इसके बाद इसे इंजॉय कर सकते हैं आप नान के साथ, राइस के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ ये बहुत बढ़िया लगती है। और इंजॉय करिए इसे, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा।